कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होके खुश हो गए अपनी अपनी लाइफ में ठीक है तो गाइस आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आज यानी कि मैं टॉपिक बताती हूँ आपको सो रात को सोने से पहले आपके पार्टनर क्या सोचते हैं ठीक है आपके बारे में क्या सोचते हैं हम ये देखने वाले हैं ठीक है रात को सोने से पहले आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में ओके सो so, ये टॉपिक मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि इस टॉपिक पे प्लीज़ आज रीडिंग कर दीजिए सो so, मैं रीडिंग कर रही हूँ चलो तो हम लोग आज जो है टैरो कार्ड से देखेंगे इसके साथ ही मैं दूसरे डेक से भी देखूँगी और इसके बाद मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस को भी देखने की कोशिश करूँगी ठीक है तो चलो रीडिंग देखते हैं फिर और ये एक जनरल रीडिंग है वैसे ही आपको लेना है और जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग जैसे ही लें इसको ज़्यादा सीरियस ना लें क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं हमारे पास ठीक है तो वैसे ही लेना है आपको ओके तो चलिए मैं देख निकालती हूँ कार्ड्स को समी पीजिवर्समी पी जी यूनिवर्समी टी सी यूनिवर्समी और हाँ गाइज जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिखता है वही सिर्फ मेरा नंबर है ठीक है अदर कोई नंबर नहीं है सो so, आप लोग सतर्क भी रहे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को तो आप लोग सतर्क रहे प्लीज मी प्लीज मी प्लीज मी देखते हैं क्या कार्ड्स की नेटी निकल के आती हैं प्लीज मी ओके सो यहाँ पे द फूल का कार्ड है ठीक है और कार्ड देखते हैं पहला, पहला हुआ, पहली पहली बार में चलिए और कार्ड प्लीज okay. का कार्ड है ओके प्लीज यूनिवर्स गाइड में और कार्ड्स देखते हैं <laughs> द देख चहेड का कार्ड है यहाँ पे ओके और कार्ड देखते हैं प्लीज सो यहाँ पे जो कार्ड है ना मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ ओके यहाँ पे थ्री ऑफ पैंटिकल्स हम्म और देखते हैं कार्ड्स ला 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 ला। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है मेरे पास कार्ड आपको अच्छे से देख रहे हैं ना अच्छे से दिख रहे हैं ना हाँ चलो अब कार्ड दिख रहे हैं आपको अच्छे से ओके द स्टार का कार्ड है और कार्ड देखते हैं मैं दूसरे डेक से भी देखूंगी कि क्या सोचते हैं वो आखिर आपके बारे में ठीक <laughs> है तो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स का इनवर्स हम्म का और का कार्ड देखते हैं फाइव ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ शॉर्ट्स हम्म तो यहाँ पे मैं कार्ड को रखती हूँ तो चलो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या कार्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ क्योंकि सबको ही साइन 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 चाहिए <laughs> तो चलो साइन की बात करते हैं साइन क्या है आप लोगों का यहाँ पे वाटर है ठीक है यहाँ पे फायर है अर्थ भी है यहाँ पे एक्वेरियर साइन है बाकी और दो साइन जो है हमारे पास वो नहीं है ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए रीडिंग नहीं है ठीक है आप लोगों के लिए भी रीडिंग है आप लोग आराम से देखो आपके साथ रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए भी है ठीक है तो देखो यहाँ कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कार्ड्स कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं रात को सोने से पहले ठीक है तो सोने से पहले वो ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर भी जो है ना उदास है ठीक है मेरा पार्टनर उदास है उसे यह लगता है कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा वो होपलेस हो गया है। है है। सोने से पहले वो वो भी मुझे याद करता है या करती है। और वो एक लो फील करने लगती है जब मैं मेरी तरफ से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो ठीक है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे हालांकि वो जानती है या जानता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ ठीक है बहुत उसे इंतज़ार है मेरा ठीक है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है सो उसे इंतज़ार है मेरा कि मैं उसे कब कॉल करूँ कब कांटेक्ट करूँ उससे कब बातें करूँ वो मेरा वेट कर रहा है या कर रही है मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से और वो मेरे से कनेक्ट है मेरे लिए उसके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है उसको ऐसा भी फील होता है कि मैं उसका सोलमेट हू उसको ऐसा भी फील होता है कि जैसे कि हम दोनों एक होंगे ठीक है हालांकि मैं अभी उससे बातें नहीं कर रहा हूँ इसलिए वो थोड़ा लो फील करता है या लो फील करती है ठीक है लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं भी उसे देख रहा हूँ मैं भी उस पर नज़रें बनाए हुए हूं मैं भी चाहता हूं कि न्यू बिगनिंग हो और वो भी चाहती है या चाहता है कि न्यू बिगनिंग हो ठीक है हालांकि उसको कभी कभी जो है ना बहुत बहुत नेगेटिविटी आ जाती है उसके मन में बहुत नेगेटिव हो भी जाती है अपने सोच के कारण से लेकिन उसके बाद जो है ना कुछ उसके सामने चीजें आती हैं जिस वजह से वो पॉजिटिव फील करने लगती है या लगता है मेरा पार्टनर मेरे बारे में ये भी सोचता है कि मैं बहुत तकड़ू हूँ बहुत घमंडी हूँ मैं बहुत जिद्दी हूँ बहुत गुस्सैल हूँ लेकिन फिर भी फिर भी वो जानती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ ठीक है <laughs> देखो यहाँ पे और क्या सोचते हैं आपके बारे में ये भी मैं बता दू मेरा पार्टनर ये सोचता है कि मैं अपनी फैमिली को ज्यादा मानता हूँ उसे नहीं मानता हमेशा कंपेयर करता हूँ हमेशा ही कंपेयर करता हूँ और या करती हूँ उसको ऐसा लगता है कि मैं मेरा ध्यान उस पर है ही नहीं उसको कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के उसके पास नहीं जाऊंगा लेकिन वो पगली या पगला ये नहीं समझता कि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूं ठीक <laughs> है वो मुझे ये भी समझता है या समझती है कि मेरे दो चेहरे हैं देख रहे हो ये? मेरे दो चेहरे हैं और मैं उसे हमेशा झूठ बोलता हूं उसको ये लगता है उसको गलत फहमी हो गई है मिस्टेक हो गया है उसको उसको ये लगता है कि मैंने उसकी उससे जो है ना कोई राज छुपाया है अपना जो कि बहुत गहरा है मैं उससे खुल के बातें नहीं करता हालांकि मैं खुल के बातें नहीं करता वो ये जानता है या जानती है फिर भी वो जो है ना बच्चे जैसी हरकत करती है देखो पेज ऑफ कप्स प्यार मुझसे करता है या करती है सोचते हैं जो प्यार मुझसे करता है या करती है और लेकिन वो मैच्योर कभी कभी बिल्कुल नहीं होती है हमेशा ही मैच्योर नहीं होती है या नहीं होता है क्यों <laughs> क्यों क्योंकि उसकी एनर्जी कभी कभी ना हाई हो जाती है हमेशा उत्साह से चंचलता भरे है ना तो ऐसी वाली एनर्जी हो जाती है उसकी वो भी मेरे साथ न्यू बिगनिंग करना चाहती है मैं भी न्यू बिगनिंग करना चाहता हूं क्या चाहती हूँ इंतजार उसको भी है इंतजार मुझको भी है लेकिन यहाँ कोई शुरुआत नहीं कर रहा है ठीक है तो यहाँ न्यू बिगनिंग का मुझे जो है ना आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है और इसके बाद से मैं बताती हूँ आपको कि क्या सोचते हैं वो आपके बारे में मेरा पार्टनर जो है ना एकदम से कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे खिलाफ अगर कोई बोल दे गलत तो नहीं बर्दाश्त कर सकता वो मेरा पार्टनर ऐसा भी है एकदम से कहता है ना कि लड़ जाना भिड़ जाना किसी से है ना कब इनको गुस्सा बहुत आता है आपको गुस्सा बहुत आता है आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि उसे गुस्सा बहुत आता है गुस्से वाली है या वाला है गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ठीक है और ये जो है ना आपकी पार्टनर ये भी सोचते हैं कि वो सोच रहा है या रही है कि मैं मैं उसके लिए अब एक्शन लूँगा अब एक्शन लूँगा अब कॉल करूँगा अब मैसेज करूँगा लेकिन मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि हम दोनों के बीच में हमारी फैमिली है थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी की वजह से मैं उसको कॉल मैसेज नहीं कर पाता हूं वो ये पगली या पगला नहीं समझता है, नहीं समझती है लेकिन मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं यहां पे ये भी बता रहे हैं कि आप जो हो ना थ्री ऑफ पैंटिकल्स थ्री ऑफ पैंटिकल्स आप समझते हो कि मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू नहीं देता उतना जितनी अपनी फैमिली को देता है तो इस बारे में भी आपके पार्टनर सोचते हैं कि वो क्यों नहीं समझती कि मेरी फैमिली है मैं अपनी मम्मा के नजदीक ज्यादा हूं मॉम के नजदीक जो है ना मैं ज्यादा हूं मैं मम्मा से ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं मैं क्या करूं मुझे तो दोनों तरफ देखने हैं ना हालांकि मैं भी चाहता हूं कि उसके साथ मैं न्यू बिगनिंग करूं मैं उसके साथ चाहता हूं कि अपनी जिंदगी ही मैं वो भी चाहती है या चाहता है कि वो भी मेरे साथ जिंदगी भर रहे लेकिन लेकिन क्या करें हमारे सामने थर्ड पार्टी है ऑफ वेंट्स आप कहीं दूर जाने की सोच रहे हो उनके साथ तो वो भी सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर जो है ना मेरे साथ एकदम दूर जाना चाहता है मतलब कि वो और मैं दोनों टाइम स्पेंड करें साथ में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए और पता है वो ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग जो है ना आ, आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे कहीं ऐसा जहां पे कोई कोई ना हो सिर्फ आप और वो ठीक <laughs> है तो ऐसी भी प्लानिंग चल रही है आपके पार्टनर की <laughs> बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है चलो और देखते हैं कि और क्या सोचते हैं और क्या सोचते हैं सोने से पहले वो. चलो और कार्ट्स ज़्यादा गिर जाते हैं ना तो मुझे प्रॉब्लम्स होने लगती हैं चलो यहाँ ट्रेन जो है ना हमेशा आती जाती रहती है भाई साहब <laughs> बहनों सबको बोल रही हूँ तो डिस्टरबेंस होती है मुझे भी होती है सो सॉरी उसके लिए क्या कर सकते हैं घर ही है, है नज़दीक <laughs> चलो द <the> चाइल्ड <child. laughs> मैंने कहा तो चलो और कार्ड्स निकालते हैं फिर मैं बताती हूँ मेरा एक सपना है कि तो ही मेरे सपनों में मुझे सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनल होते हैं पता नहीं जो है ना यूनिवर्स का मुझे ज्यादातर चैनल जो है ना सॉन्ग ही होते हैं इसलिए मैं हमेशा जो भी चैनल होता है ना सॉन्ग मैं गुनगुनाने लगती हूँ ठीक है तो आप लोग ये ना समझना कि मुझे कहाना नहीं आता द जेंटलमैन का कार्ड है और कार्ड देखते हैं हम्म द लॉकेट का कार्ड है यहाँ पे ओके सो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं द गार्डन दिख रहा है <laughs> यानी कि आप जो हो ना आप को बगीचा बड़ा पसंद है <laughs> गार्डन बहुत ज्यादा पसंद है फूलों से बहुत प्यार है पक्षियों से बहुत प्यार है नेचर से बहुत प्यार है आपके पार्टनर जानते हैं ये <laughs> और आप हो सकता है कि बहुत फेमस पर्सन हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं फेमस पर्सन जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ठीक है तो आप या फिर आपके पार्टनर कोई है जो बहुत ही फेमस है बहुत जो लोगों की नज़रों में रहते हैं हो सकता है कि एक टीचर भी हो सकते हैं इंजीनियर भी हो सकते हैं डॉक्टर भी हो सकते हैं एक आप भी हो सकते हैं या हो सकते हैं देखो यहाँ पे मुझे ज़्यादा फील्ड जो है ना <laughs> उतना दिख नहीं रहा है तो देखो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी पोस्ट है ठीक है So, आप लोग उस तरह से लेना ठीक है ज्यादा ये मत सोचना कि आ, मैं जो बता रही हूँ बस वही या फिर वो है ही नहीं है ना तो ऐसा नहीं सोचना है ठीक है ओके तो चलो और कार्ड का जो है ना हम देखते हैं क्या कार्ड मुझे बता रहे हैं ओके तो यहाँ पे कार्ड ये बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे द चाइल्ड का कार्ड आया है ना आप बच्चे के जैसे हो <laughs> वो जो आपकी आप जो हो ना एकदम चंचल चंचल हो एकदम बच्चे जैसे साफ दिल के वही आपके पार्टनर सोचते हैं कि मेरा पार्टनर बहुत साफ दिल का है बहुत ही साफ दिल का ठीक है एक खूबसूरत सा जैसे कि एक बच्चा होता है वैसे ही है वो ठीक है <laughs> आपका कोई गोल है जिसके प्रति आप बहुत ही आ, कह सकते हैं कि फोकस आ, करते हो उस चीज को पाने के लिए जिसको आपकी जरूरत है ठीक है आपका जो भी गोल है लाइफ में आपको जो भी करना है उसके लिए आप बहुत ही ज्यादा जो है ना एक आप सचेत रहते उसको पाने के लिए ठीक है यहाँ पे कोई आ, यहाँ पे जो है ना आप बहुत ही हॉट लगते हो उनको बहुत खूबसूरत बहुत ही एकदम अट्रैक्टिव देखो द विप का कार्ड है बहुत ही खूबसूरत हो आप आपकी जो है ना हेयर uh, हेयर uh, uh, है आपके जो uh, uh, आप जैसे ड्रेस पहनती हो पहनती हो ना वैसे उनको बहुत अच्छी लगती हो उस ड्रेस में जो है ना बहुत उस टाइप के ड्रेस पहनती हो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती हो बहुत खूबसूरत लगती हो आप उनको ठीक है और ये देखो यहाँ मेल फीमेल दोनों ही एनर्जी है मेरे पास ठीक है तो यहाँ पे आप लोग मेल पर्सन भी हो तो उनके लिए भी मैं बता दूँ कि यंग यंग एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है आप लोगों की जो है ना आप लोग बहुत दोनों की एज मैच है कुछ लोगों की एज डिफरेंस है कुछ लोग सेम एज के भी मुझे दिख रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे ये है और आप बहुत ही क्लोज हो अपने पार्टनर के आप बहुत ही ज्यादा क्लोज हो ये आपके पार्टनर जानते हैं कि ये मुझसे जो भी होता है ना जो भी चीजें होती है ना ये एक ना एक दिन आके मुझसे ही बोलेगा ये बोलेगी ठीक है क्योंकि आपका जो है ना आप बहुत आ, साफ दिल के हो ठीक है इसलिए इनकी थिंकिंग ऐसी है और वहीं पे मैं आपके पार्टनर की देखूँ तो ये बहुत लॉजिकल है बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है पावरफुल पावरफुल पर्सन है ये ठीक है तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है और यहाँ पे लॉकेट का कार्ड है ठीक है लॉकेट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अब लव रोमांस ठीक है फैमिली इमोशंस सब चीज़ आने वाला है सब चीज़ बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है यहाँ पे लॉकेट का कार्ड है यानी कि आपके पार्टनर जो है अब आपके साथ जो है ना उनको रोमांटिक सा भी फील हो रहा है अभी इस वक्त और उनको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे अपने पार्टनर को कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहिए <laughs> सो यहाँ पे ये वो सोच रहे हैं ठीक है आपके बारे में वो सोने से पहले क्या सोचते हैं तो ये सारी बातें सोचते हैं चलो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबी हो गई मुझे जहाँ तक दिख रहा है <laughs> चलो देखते हैं देखते हैं क्या मैसेज है कौन कहता है कि दुनिया में हम सकल नहीं होते देख कितनी मिलती है कितना मिलता है तेरा दिल मेरे दिल से ओके okay? सो so, अगला है कितना अधूरा सा लगता है जब चांद हो और तारे ना हो उसी तरह जिंदगी और जिंदगी हो और उस टाइम तुम ना हो सो so, ये है और और मैं लास्ट लास्ट मैसेज निकालती हूँ मैं ये वाला ये दूसरा है ठीक है वो दूसरा कार्ड निकल गया था आँख खुलते ही तुम्हारी याद आ जाना दिन की पहली खुशी भी कमाल की होती है <laughs> वाह देखो कितना खूबसूरत है नहीं दिख रहा है ना आपको लाइट है ना इस वजह से ये आ, रंग भी येलो है ये इसलिए ऐसा है ठीक है ओके सो ये रही आज की रीडिंग सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी अच्छी भी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में बाय